कल हम लोगों ने इस बिंदु पर ध्यान देना शुरू किया था कि सुख स्वभाव है या प्रभाव, और इसके थोड़ी जांच परख की थी, कुछ प्रश्न भी लिए थे कि सुख का स्रोत हमारे भीतर है तो सुख स्वभाव है, सुख के लिए यदि मुझे बाहर निर्भर होना पड़ता है तो सुख एक प्रभाव है। इस बात को हम लोगों ने कल विश्लेषण किया था। इस बिंदु के संबंध में यदि किन्हीं का कोई प्रश्न बना हो कल दिन भर के ऑब्जर्वेशन से, कल अपनी जांच परख से, तो यहाँ पे रख सकते हैं। तो स्वभाव का मतलब हुआ कि मुझे दिखाई देता है कि हाँ सुख का स्रोत मेरे भीतर है, स्वयं में स्थापित है, उसके लिए मुझे बाहर भागने की जरूरत नहीं है, बाहर से कोई सूचना लेने की जरूरत नहीं है। यदि प्रभाव के रूप में लगता है तो फिर हम बाहर से कुछ पाकर सुखी होने का प्रयास करते रहते हैं। ये मेजर शिफ्ट है जो हमें लेना है इस पूरे अभ्यास सत्र में। इसमें हम सबको समय लग सकता है, परंतु प्रयास की दिशा तो निश्चित होनी जरूरी है। अगर हमें यह स्पष्ट हो जाए कि सुख स्वभाव है प्रभाव नहीं, यदि सुख का स्रोत मेरे भीतर है तभी मैं निरंतर सुखी हो सकता हूँ। अगर सुख का स्रोत बाहर लगता है तो सुख में न तो निरंतरता होगी न निश्चितता होगी और बाहर की ओर निर्भरता होगी। अगर ये बात हमें स्पष्ट हो जाती है तो फिर हम प्रभाव को बेहतर से बेहतर, अनुकूल से अनुकूल बनाने का प्रयास न करके सुख के स्रोत को स्वयं में स्थापित करने का प्रयास करेंगे। फिर हम इस बात को देखना शुरू करेंगे कि सुख का स्रोत भीतर होने का क्या अर्थ है, मेरे स्वयं में होने का क्या अर्थ है, मेरा इनेट नेचर कैसे बनेगा। अभी भी देखें तो हमें ये तो समझ में आता है कि मैं निरंतर सुखी होना चाहता हूँ, तो स्वयं में स्वीकृत तो है, स्वयं में स्वीकृत है कि मैं निरंतर सुखी होना चाहता हूँ। इस स्वीकृति से आगे बढ़कर वो स्थापित हो जाए, सुख का स्रोत मेरे अंदर स्थापित हो जाए, ये करने का काम है। जितना जितना हम इस काम को इंटेंसिवली करते हैं, इस सुख के स्रोत को लेकर जो भी हमारे अंदर शंका है, प्रश्न है, उलझन है, द्वंद है, वो निकल कर बाहर आना शुरू करते हैं और फिर हम उसकी गहराई में जाते हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। सुख होता क्या है, स्वभाव क्या होता है, ये मैं क्या हूँ, शरीर क्या है, मैं और शरीर के बीच का अंतर क्या है, अगर सुख का स्रोत मेरे भीतर है तो फिर मुझे परिवार, मेरे परिवार में मेरी भागीदारी क्या है, समाज में मेरी भागीदारी क्या है, मुझे परिवार की आवश्यकता भी है कि नहीं, मुझे सुविधाओं की आवश्यकता भी है कि नहीं, संबंधों की आवश्यकता भी है कि नहीं, इस तरह के बहुत सारे आपके अंदर प्रश्न शंकाएं उभरेंगे। इनसे फिर क्या होगा कि जो हमें प्रस्ताव वर्कशॉप में सुनने को मिला उसको हम और बारीकी से जांचेंगे, एक एक शब्द का हम विश्लेषण कर पाएंगे, उसके अर्थ में जा पाएंगे, स्वयं में देखने का काम कर पाएंगे। कम से कम हमको अपना गंतव्य तो दिखाई दे, हमको अपनी दिशा तो दिखाई दे कि मुझे अधिक से अधिक बाहर से अनुकूल कुछ पाकर सुखी होने की दिशा में काम नहीं करना है। बाहर के वातावरण में अनुकूलता पैदा करना, अनुकूलता बढ़ाना मेरा लक्ष्य नहीं है, बल्कि स्वयं में सुख के स्रोत को स्थापित करना मेरा लक्ष्य है। अगर इतना भी स्पष्ट हो जाए तो हमारे जीने की एक निश्चित दिशा बनती है और फिर हम अपने जीने में उपलब्धियों का आकलन कर पाते हैं कि हम अपनी उपलब्धियों का आकलन कैसे करेंगे। हमने इस प्रभाव को बेहतर से बेहतर बना लिया, ये हमारी उपलब्धि हुई, या सुख के स्रोत को स्वयं स्थापित कर लिया, ये उपलब्धि हुई। देखिए, हम में से हर व्यक्ति विकसित होना चाहता है, श्रेष्ठ होना चाहता है। श्रेष्ठता का अर्थ क्या है, श्रेष्ठता का मापदंड क्या है, ये समझ में आना जरूरी है। तो अगर हमें स्वयं में श्रेष्ठता का आकलन करने का कोई मापदंड न हो, उसकी समझ न हो, तो हम फिर दूसरों की तुलना में आगे बढ़ने को श्रेष्ठता मानते हैं। क्योंकि देखिए, हम श्रेष्ठ होना चाहते हैं, हमें किसी दिशा में तो जाना पड़ेगा। श्रेष्ठता क्या है ये हमको नहीं समझ में आ रहा, तो फिर कुछ तो करेंगे। तो सुख को स्वभाव के रूप में स्थापित करना श्रेष्ठता है, या बेहतर से बेहतर प्रभाव पाना श्रेष्ठता है, इन दोनों से एक का चुनाव तो करना ही पड़ेगा, और अभी भी हम कर रहे हैं, है ना। वही उसमें इतना ही होता है कि जितने में हम समाधानित हो जाते हैं उतने में हम स्वयं में श्रेष्ठता के लिए काम करते हैं, जितने हम समाधानित नहीं होते हैं वह दूसरों की तुलना में आगे बढ़ने को श्रेष्ठता मानकर हम लगे रहते हैं, तो मिक्स चलता है लाइफ में।
हमें हर क्षण अपने अंदर इस बात को ही देखना होगा, है ना, कि जो मैंने प्रयास किया वो किस अर्थ में था। और कंक्लूजन यही है, इस पूरे अभ्यास सत्र के आधार पर ये बात हमें स्थापित हो जाए, ठीक है ना, हमारे प्रयास की दिशा निश्चित हो जाए। स्वभाव को दो रूप में प्लेस कर सकते हैं, एक तो स्वयं में स्वीकृत भाव, नेचुरल एक्सेप्टेंस, वो तो पहले से ही है, ठीक है ना। तो सुख के प्रति हमारे अंदर नेचुरल एक्सेप्टेंस पहले से ही है। स्वयं में स्थापित भाव के रूप में देखें तो फिर उसके लिए अपने को काम करना है सुनिश्चित करने के लिए। तो हम स्वयं में सही समझ के आधार पर काम करेंगे, मतलब स्वयं में सही समझ के लिए काम करेंगे, स्वयं में सही भाव सही विचार के लिए काम करेंगे। यदि हमें सुख स्पष्ट होता है तो, अगर स्वभाव स्पष्ट होता है तो, अन्यथा सुख को पाने के जो तरीके होंगे वो कहीं ना कहीं प्रभाव में जाएगा। तो हम कोई प्रिय यानी अनुकूल संवेदना पाकर उसके आस्वादन से सुखी होने का प्रयास करते हैं तो पाएंगे कि शरीर के माध्यम से अनुकूल संवेदना जो हमें मिल रही है वो मिलती रहे। जैसे हम सुख निरंतर चाहते हैं तो निरंतर सुखी होने के लिए क्या करेंगे, तो संवेदना की अनुकूलता को बनाए रखने का प्रयास करेंगे। तो जिन सुविधाओं के संपर्क से अनुकूल संवेदना मिलती है वो सुविधाएं मिलती रहे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तो ज्ञानेंद्रिया ही कहते हैं ना, सेंस ऑर्गन्स है, उससे हमें सूचनाएं मिलती हैं। तो आप पाएंगे कि हमें आंख से, नाक से, कान से, जीभ से, त्वचा से अनुकूल संवेदना मिलती है, और उसके अनुकूलता को बनाए रखने का हम प्रयास करते हैं और इसी को हम सुख मान लेते हैं। अब अगर मुझे निरंतर सुखी होना है तो यहाँ से जो मुझे संवेदना मिल रही है उसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए फिर प्रयास करेंगे। उसकी निरंतरता कैसे बनेगी, तो जिन सुविधाओं के संपर्क से अनुकूलता मिल रही है उन सुविधाओं को बनाए रखने का प्रयास करेंगे। फिर एक ही तरह की सुविधाओं से अनुकूलता बार बार मिलती नहीं है, उसको बदलने का प्रयास करेंगे, उसकी भी सीमा बन जाती है तो उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो अभी हमारा प्रयास है ना, यदि हम सुख को संवेदना से सुनिश्चित करने जाए, कोई प्रिय संवेदना पाकर सुनिश्चित कर जाए, इस दिशा में होगा। दूसरा एक हो सकता है कि अनुकूल भाव पाकर उसके आस्वादन से, तो उसको पाने के लिए जो कार्य व्यवहार विचार अपेक्षित है वो होता रहे, जैसे धन वैभव पद प्रतिष्ठा। तो दूसरे से अनुकूल भाव मिल जाए, कैसे मिलेगा, तो हमको लगता है कि कोई अगर सुविधा के प्रदर्शन से हमको कोई अनुकूल भाव मिल जाता है तो फिर सुविधा को अर्जित करना, उसको दूसरों के सामने शेयर करना, इसका एक हमारे अंदर भाव विचार चलता रहता है। तो फॉर एग्जाम्पल आप किसी के यहाँ शादी में गए, ठीक, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गए, टहलते हुए पहुंच गए, और आपको लोगों ने मतलब आपको रिसीव करने के लिए एक दो व्यक्ति आए। कोई व्यक्ति लाल चमकीली बड़ी लंबी सी कार से उतरा और उसको रिसीव करने के लिए 10 लोग उतरे, 10 लोग पहुंचे। आपको लगता है कि अगर मेरे पास भी इतनी लच्छी इतनी लंबी चमकीली है ना कार होती, इतनी कॉस्टली कार होती और मैं उतरता इससे, तो मुझे भी रिसीव करेंगे 10 लोग आते। तो ये एक हमारे अंदर एक मान्यता बन जाती है। अब इसमें क्या हुआ कि ये कितने लोग हमको रिसीव करने पहुंचे इसको अगर हम सम्मान मान लें, और उसके भी कारण हम ये मान लें कि ये चूंकि मैं इस कार से उतरा इसलिए मुझे ऐसा सम्मान मिला, कि दूसरों से कोई अनुकूल भाव पाकर सुखी होने का प्रयास बन जाता है हमारा, फिर हम उसी दिशा में विचार करना शुरू करते हैं कि नहीं। वैसे ही हमने कोई वस्तु खाई और उसके खाने का स्वाद हमें बहुत प्रिय लगा और हमें ऐसा बार बार खाने की इच्छा बन गई, उसके लिए हम विचार करने लगे कि ये शरीर से मिलने वाली संवेदना से होने वाले सुख के लिए प्रयास बन गया। तो ये सब चीजें हमको अपने आप में ऑब्जर्व करनी है कि ये सम्मान पाने की हम अभी क्या विधि देखते हैं। जैसे हम समाज में सम्मान पूर्वक जीना चाहते हैं, परिवार में सम्मान पूर्वक जीना चाहते हैं, उस सम्मान को पाने का, सम्मान को सुनिश्चित करने का वो क्या विधि दिखता है। अभी हम इस बात को ठीक से आर्टिकुलेट भी नहीं कर पाते हैं कि ये जो 10 लोग पहुंचे रिसीव करने के लिए ये सम्मान है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही गए, बट आपके पास कुछ धन था और उसी परिवार के सदस्यों में से किसी ने आपसे कभी सहयोग मांगा पास में और आपने दे दिया, शेयर कर दिया, है ना। तो आपको आपका जिस प्रकार से संबंध परिभाषित होगा वो एक बात है,
दूसरी संभावना हो सकती है कि भाई आपने उस धन को शेयर नहीं किया, आपने कह दिया कि नहीं मेरे पास धन नहीं है, उससे आपने बड़ी गाड़ी खरीद ली और फिर उस गाड़ी से गए, उससे जो संबंध परिभाषित होगा किस प्रकार का है। तो हमें संबंध को भी समझने की जरूरत है कि अभी हम दूसरों से कोई ध्यान पाना, इसको हम बेहतर संबंध या इसको सम्मान मानते हैं या दूसरे के साथ संबंध में आश्वस्त होने को संबंध के रूप में देखते हैं, कि हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति विश्वास का भाव हो, सम्मान का भाव हो, स्नेह का भाव हो, कृतज्ञता का भाव हो, इसे हम संबंध के रूप में देखते हैं। ये बात अगर हमको स्पष्ट ना हो तो दूसरे से कोई अनुकूल भाव पाने के लिए हम सुविधा संग्रह, सुविधा भोग में चले जाते। वैसे ही अगर हमें मैं और शरीर का अंतर स्पष्ट ना हो, शरीर से मिलने वाली संवेदना से मिलने वाले सुख की सामयिकता स्पष्ट ना हो कि शरीर से जो कुछ मिलेगा वो सामयिक है, अनिश्चित है, तो फिर हम वहां पे भी उसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए एक के बाद एक अनुकूल संवेदना को पाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। और इसका आप अगर पढ़ेंगे हिस्ट्री में एक से एक उदाहरण है, जैसे रोम का एक शासक हुआ करता था नीरो। बताते हैं नीरो को भोजन के स्वाद की इतनी ललक थी कि भोजन का स्वाद बेहतर से बेहतर पाने के लिए वो अपने महल में ढेर सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनवाता था। फिर उसके बाद वो खाएगा, उसका पेट भर जाएगा, फिर उसने वैद्य रखे हुए थे जो उसको उल्टी कराएंगे, उल्टी करेगा, पेट खाली करेगा और फिर खाएगा खाना। और ऐसा बताते हैं कि दिनों दिन हफ्तों तक चलता था उसका कार्यक्रम। और उससे बताते हैं कि उसके प्रभाव में रोम में भी जिसको भी सब भ्रांत समाज मान लिया गया था, ऊंचा समाज मान लिया गया था, उसमें प्रथा बन गई थी। लोग इस प्रकार के अभ्यास रखते थे कि खाना खाना, फिर उल्टी करना, फिर पेट साफ करना उससे, फिर उसका फिर दोबारा खाना, और इस तरह का एक अभ्यास बन गया था। तो जीव से मिलने वाले स्वाद से मिलने वाले सुख को पाने के लिए बहुतेरे प्रयास हुए। अभी भी आप देखिए तो ये इतना सारा जो बाहर मार्केट बना हुआ है, जीव से कोई अनुकूल स्वाद मिल जाए उसके लिए बहुत सारा मार्केट बना हुआ है। वैसे ही आंखों से कोई दृश्य मिल जाए, ठीक, जैसे आप अपने घर की बालकनी में बैठे हैं और आपका पड़ोसी कोई नई लंबी चमकीली कार लेकर आ जाए और आपका पुरानी कोई कार हो, उस कार के लुक से आप प्रभावित हो जाते हैं, तो आपको लगता है हमारे घर में भी ऐसी कार होनी चाहिए, इतनी शाइनिंग, इतनी ही चमकीली, इतनी ही है ना सुंदर दिखने वाली कार होनी चाहिए, और उसकी एक इच्छा बन जाती है और आपको लगता है इस कार में बैठ के घूमूंगा तो और मजा आएगा, अभी तो इस छोटे से कार में कोई मजा नहीं है। अभी क्या हुआ, आंखों से कोई दृश्य मिला, हमसे प्रभावित हो गए और हमें लगा कि यही सुख पाने का स्रोत है, तो ये आंखों के दृश्य से होने वाला प्रभाव है। वैसे ही किसी ने कोई गाना बजा दिया, हम उससे इतने ओतप्रोत हो गए है ना उस गाने की धुन में कि हमको लगता है कि ऐसा बड़ा म्यूजिक सिस्टम हमारे साथ हो और ऐसा साउंड सिस्टम हो उसके अंदर कि ज्यादा से ज्यादा मधुर संगीत सुनने को मिले, और फिर हम उसके लिए योजना बनाते हैं, बहुत सारा कार्यक्रम बनाते हैं। तो ये कानों से जो संवेदना आ रही है उससे सुख को बनाए रखने का, बढ़ाए रखने का प्रयास हो जाता है। ये सब अपने आप में ऑब्जर्व करने की चीजें हैं कि हम ऐसा कितना सारा कार्यक्रम कर रहे हैं, कितना सारा प्रयास कर रहे हैं जो शरीर से मिलने वाली संवेदना से मिलने वाले सुख को बनाए रखने के अर्थ में। वैसे ही नाक से गंध मिल जाए तो अभी आप देखिए गंध पाने के लिए अभी हम कितना सारा इत्र, परफ्यूम और इत्यादि है ना प्रयोग करते हैं, ठीक, और इनका कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो अगर आप उसको किलो में आंकेंगे तो दूध के मुकाबले तो 1000 गुना होगा। 1 किलो दूध अगर 55 रुपए का है तो 1 किलो परफ्यूम तो हो सकता है 55,000 का हो कि नहीं, और हम उसको सुनिश्चित करने जाते हैं, उसको हम पूरा करने जाते हैं, उसके लिए बहुत सारे योजना कार्यक्रम बनाते हैं। वैसे ही त्वचा से मिलने वाला स्पर्श है ना, सेंसुअल प्लेजर्स कहते हैं जो कार्यक्रम बनाते हैं, फिर उसको बढ़ाते रखने के लिए, बनाए रखने के लिए। अभी देखिए समाज में कितना सारा मतलब एक तो स्पर्श है कि सिंपल सा देखें कि शरीर को स्पर्श मिल जाए हमारे कपड़ों से इत्यादि से, वो एक बात है। दूसरा, यदि वो मानव मानव संबंध में चला गया, स्पर्श से सुख पाने गए, तो बहुत सारा अनैतिक, व्यभिचार और इस तरह के कार्यक्रम है ना, चारित्रिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अब अगर हम आज के दिन अगर अखबार उठा के देखें तो ये पांचों तरह की समस्याएं आपको बहुत लंबे चौड़े स्तर पर दिखाई देंगी फैली हुई। वैसे ही
दूसरों से भाव पाने के लिए समाज में जो भी अपने को उल्टा सीधा करना है उसके लिए देखें तो करप्शन हो रहा है, उसके लिए मैनिपुलेशन हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ये बहुत सारा प्रयास आपको दिखाई देगा। तो इसको समाज में तो हम देख पाते हैं कैसा है, इसको स्वयं में देख पाते हैं कि नहीं, जो लोग पहले से इस सुबह के अभ्यास सत्र में जुड़े हैं उनका तो काफी ध्यान गया होगा, अभी अपने को भी ध्यान देना है जो नए साथी जुड़े हैं। तो ये हो सकता है कि पहले स्वयं पर ध्यान नहीं किया था तो अब ध्यान देना है, ये हो सकता है कि पहले बाहर इन्हीं चीजों पर ध्यान था, इसके लिए विचार करते थे, इसको भी बढ़ाने के लिए काम करते थे, तो अब स्वयं पे भी ध्यान देना है। तो मुद्दा ये है कि हमारा ध्यान स्वयं पे चला जाए। इनफैक्ट इस पूरे प्रयास में आपको ये दिखाई देगा कि मैं हूँ, है ना, ये जो हम लोग अभ्यास को और ठीक से फैला के देखेंगे तो पता चलेगा कि अभी तो मुझे अपने कई बार होने का ही पता नहीं चलता, मैं हूँ और क्या हूँ इसका पता ही नहीं था, हम अपने आप को शरीर मान के जी रहे होते हैं। अगर हम अपने आप को शरीर मान के जीते हैं तो शरीर से मिलने वाली संवेदना या शरीर के माध्यम से जो सूचना आ रही है बाहर से, जिससे हमें कोई भाव प्रेषित होता है, उससे हम सुखी होने में लगे रहते हैं और ये चलता रहता है दिन ब दिन, है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। फिर इसके लिए क्या होता है कि अल्टीमेटली अगर आप शरीर के भीतर देखें, जैसे हम अगर शरीर, ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं इससे भी हमको सूचना मिल रही है, ये भी तो शरीर के भीतर से ही जाकर हम तक पहुंचेंगी अगर बहुत टेक्निकली देखा जाए। जी भैया जी। जैसे मैंने अगर हाथ पे कोई चीज गर्म लगी तो त्वचा जली, बट त्वचा के भीतर का मांस पे भी जलने का प्रभाव होगा, फिर वो सूचना मुझ तक पहुंचेगी। तो संपर्क, शरीर का बाहरी वातावरण संपर्क हुआ, फिर शरीर के भीतर कोई क्रिया हुई, फिर उस क्रिया की सूचना मुझे मिली, तो बाहर से भीतर की सूचना तो आएगी, ये तो निश्चित है। ये भी सकता है कि बाहर से आना जरूरी ना हो, भीतर की सूचना आ रही है, जैसे पेट में दर्द है, पैर में चुभन हो रही है, दर्द है ना, सिर में भारीपन है, उसकी सूचना भी मुझे आ रही है, बट अभी हम इसको सुख के स्रोत के रूप में काउंट नहीं करते हैं। तो इतना ही हो सकता है कि शरीर को थोड़ा आराम मिल जाए, इतना भर तो हो सकता है, बट अगर मेजर प्रयास देखें तो ये जो बाहर से सूचना आ रही है उसकी अनुकूलता को बनाए रखने का है। शरीर में जो कुछ हो रहा है उससे तो हम थोड़ा सा आराम पाकर शरीर के साथ कंफर्टेबल होने का प्रयास भर करते हैं। हाँ लेकिन भैया कई बार ऐसा होता ना कि जैसे उसमें भी सुख पाने का, जैसे कुछ भी हो गया मान लीजिए कहीं पर चोट लग गई है तो उससे जो संवेदना आ रही है तो उससे भी परेशान हो जाते हैं ना। जैसे नहीं परेशान होना है, एक भी ये भी निर्णय हो सकता है कि भी नहीं परेशान हो, तो ये है अब चोट लगी है 10 दिन लगेंगे उसको ठीक होने में, इसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई मतलब ऐसे भी हैं लोग जैसे कि मान लीजिए उसी को लेकर के, अरे ये क्या हो गया, ऐसा क्यों होना था, मतलब उसी से बहुत सारा परेशान हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं एक तरह का आंतरिक स्पर्श है क्या, मुझे एक कटाकरी अलग दिख रही थी इसलिए मैं। हाँ, तो देखिए उसमें क्या हुआ, आपने टिपिकल जो एग्जाम्पल दिया, तो इसमें हम सुख को पाने का प्रयास न कर कर जो दुखी हो रहे हैं उससे, परेशान हो रहे हैं, उसको कम करने का प्रयास करते हैं आमतौर पर। तो शरीर के भीतर कुछ हो जाए जिससे मैं सुखी हो जाऊं, इसके लिए प्रयास बहुत कम दिखाई देता है। अगर बहुत टेक्निकली इस चीज को एनालाइज करने जाए हम लोग, तो इतना ही भर होता है कि कुछ प्रतिकूल हो रहा है वो कम हो जाए। तो मैं एक असाइनमेंट दे दूं आज के लिए कि जिस तरह का हम लोग अभ्यास करने वाले हैं इस सुबह में, उसके लिए आवश्यक है कि हम सभी कम से कम आधा घंटा रोज अपने साथ बिताएं। इसको एक अभ्यास बना लें कि हमको कम से कम आधा घंटा अपने साथ होना है। अपनी आँख खुली रखें, आँख बंद रखें, लेटे बैठें, है ना, जैसा भी स्थिति बना लें, आधा घंटा कम से कम अपने आप के साथ रहें, जिसमें आपके हाथ में मोबाइल ना हो, सामने कोई टीवी ना चल रहा हो, दृश्य ना चल रहा हो, किताब ना पढ़ रहे हो, अखबार ना पढ़ रहे हो। आधा घंटा हमको अपने साथ होना है और ये देखना है कि इस आधे घंटे में मैं अपने साथ कंफर्टेबल हूँ कि नहीं। सुख इस आधे घंटे में मेरे अपने आप में बना रहा या मैं व्यग्न हो गया, व्याकुल हो गया, परेशान हो गया। इस चीज को हम लोग बनाए रखेंगे, इसके साथ फिर हम आगे अभ्यास करेंगे। तो आज से हम लोग एक अभ्यास बना ले कि हमें हर दिन आधा घंटा कम से कम अपने साथ होना है।